शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्योंकि तुम ही हो। अब वो मैं अंकल जी से कह रही थी कि जब गलतफहमियां होती हैं तो मुझे बहुत घबराहट होती है। आंटी वो काव्या मेरी फ्रेंड है। एक्चुअली कॉलेज में किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में बहस हो गई थी तो मैं बस उसको क्लेरिफाई करने आई थी। बैठो ना बैठो। ठीक है कोई बात नहीं आंटी। आंटी मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? अभी लाए। हाँ हाँ ठीक है, बिला वजह टेंशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और आप लोग बात करो, मैं जरा आता हूं। सॉरी काव्या, वो तुम्हें बिना बताए मैं तुम्हारे घर आ गई। फ्रेंडशिप में इतना हक तो बनता है ना। जी बिल्कुल। मुझे पेरेंट्स का प्यार कभी नहीं मिला। पेरेंट्स का प्यार कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए काव्या कम से कम मुझ पे इतना भरोसा रखना, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच गलत फहमियां बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं करूंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे पेरेंट्स के बीच कुछ भी दूरियां बढ़े। ट्रस्ट मी काव्या। कौन सी गलत फहमी की बात हो रही है? इसे कहते हैं थप्पड़ का सही जवाब। अब असली खेल तो तुम्हें तुम्हारे पापा जी दिखाएंगे। सवालों की झड़ियां लगा देंगे वो। हमने तुमसे कुछ पूछा काव्या, किस बारे में बात हो रही है? कॉलेज में क्या हुआ था काव्या? चुप क्यों खड़ी हो? हमने कुछ पूछा तुमसे। अब इनको क्या बताऊं कुरियर के बारे में? किस बारे में बात हो रही है? जी पापा जी, वो हुआ यूं कि मैं गलती सना की अंकल। सना का बर्थडे था इसलिए उसने हम सब दोस्तों के लिए मूवी टिकट्स बुक की थी, पर शाम का शो था। जब काव्या को पता चला कि शाम की फिल्म है तो उसने सना को मना कर दिया। अब सिर्फ एक फिल्म के लिए घर पर कोई गलत फहमी ना हो, बस इसीलिए। सना यही बात थी ना? हाँ अंकल, एक्चुअली गलती मेरी ही थी। मुझे पहले ही काव्या से पूछ लेना चाहिए था कि वो इवनिंग शो देखने जा पाएगी भी या नहीं। सो स्टुपिड ऑफ मी, आई एम सो सॉरी अंकल। सना बेटा, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम यहां हमारे घर तक चली आई। अब इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हारे लिए काव्या की दोस्ती कितनी अहमियत रखती है। खुश रहो बेटा, जीते रहो। देखा बेटा, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और उसे सुधारने के लिए ये एक कदम चली है। अब तुम्हारा भी फर्ज बनता है, तुम भी सब भूल के एक कदम और चलो आगे। तुम लोग बातें करो, मुझे जरा कुछ जरूरी काम निपटाने। और हाँ, चाय पी के जाना। जी अंकल। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूं। अब काव्या चलो ना छत पे चल के कुछ बात करते हैं। चलो ना। हुँ?
काफी खूबसूरत है तुम्हारा टेरेस। यू नो, अगर मैं चाहती ना तो वैसे ही तमाशा कर सकती थी जैसे तुमने कॉलेज में किया था, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि मैं आयुष्मान को अपना दोस्त मानती हूं और तुम्हें भी, पर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं होता, राइट? यकीन हो जाएगा। जब तुम खुद उस कुरियर की शॉप में जाके सारा मामला क्लियर कर दोगी। ये कुरियर शॉप का क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो आयुष्मान? पापा जी के नाम की चिट्ठी तुम कुरियर से ही भेजोगी ना? आयुष्मान, ये चिट्ठी क्या होता है? चिट्ठी मतलब वो कुरियर जो काव्य के घर पर आया था। जब मैं कोरियर शॉप गया तो मुझे सारा खेल समझ में आ गया। स्पीड प्रोफेशनल कोरियर्स गया था मैं। पटल पर्वत सर यहां से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 2000 फीट की ऊंचाई पर है ये जगह। जंगल काफी घना था लेकिन सड़क के काम के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने डायनामाइट से पहाड़ों को काफी काटा है। ये जगह अब डिमांड में नहीं है सर, इसलिए इस जगह को गवर्नमेंट से हम आसानी से लीज पर ले सकते हैं। ये पूरा एरिया हमें मिलिट्री एडवेंचर टूरिज्म के रूप में डेवलप करना है, जहां यंगस्टर्स वो सब कर पाएं जो इंडियन मिलिट्री एक्सपीरियंस करती है। और ये मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरा सपना भी है। एब्सोल्युटली सर, आपके सुझाव के अनुसार हम इस डिजाइन को रिवाइज करके आपसे दोबारा मिलना चाहेंगे। गुड, ओवरऑल गुड वर्क। घटिया हरकत है, एकदम घटिया हरकत है जिसने भी की है, पर सना ने वो कुरियर नहीं भेजा है। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हें सच्चाई तो पता चल गई। ये भी बोल दो कि किसने भेजा था। ओके, अगर तुम मेरे सामने नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, बट आई एम हैप्पी एटलीस्ट तुम्हें सच्चाई का तो पता चला ना। अगली बार इल्जाम लगाने से पहले अपने फैक्ट्स जरूर चेक कर लेना। थैंक यू आयुष्मान, अभी मैं चलती। आयू, अगर सना ने नहीं किया तो फिर किसने? शिवम मेहरा ने। शिवम मेहरा, वो कॉमर्स का स्टूडेंट? हाँ, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है उस कुरियर शॉप की। उसमें शिवम ने बुकिंग की थी इस कुरियर की। आयु, लेकिन उसने तो एक प्रिंट आउट की कॉपी भेजी थी, ऐसे न जाने कितने कॉपी हो गए उसके पास। और फिर अगर उसने फिर से? तुम चिंता मत करो काव्या, वो फिर से ऐसा नहीं करेगा। पढ़ने लिखने वाला बच्चा है,
उसको भी तो डर है ना कि उसको कॉलेज से निकाला जा सकता है। मैंने बात की है उससे, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, ट्रस्ट मी। I don't trust anyone. इसलिए मैं जो भी ट्रांजेक्शन करती हूँ फुल प्रूफ के साथ करती हूँ। सर मेरे को ये एड्रेस पे ना ये कुरियर भिजवाना था। ओके वेट, ताकि सामने वाला चाहकर भी मेरे साथ धोखा ना कर सके। काउंट इट, पूरे 10,000 है तुम्हारा रिवर्ड। तुमने किसी को भी कहने की कोशिश की कि यह इल्जाम तुमने मेरे कहने पे अपने सर पे लिया है तो क्या होगा? डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा। इट्स अ डील। बड़ी आई थप्पड़ मारने वाली। मॉर्निंग कवि। अरे वीडियो कॉल है, फोन कान पे क्यों लगा रखा है? उठो, गुड मॉर्निंग। नहीं चाहिए तुम्हारा गुड मॉर्निंग। इतना सुंदर सपना देख रही थी तुमने तोड़ दिया और फिर कह रहे हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह कॉलेज में क्या कर रहे हो? अरे प्रिंसिपल सर ने बुलाया था। क्यों? क्योंकि करण सर ने ट्रैक का प्लान अप्रूव कर दिया है। और सिर्फ अप्रूव ही नहीं किया है बल्कि वो खुद इस कॉलेज ट्रिप को लीड भी करेंगे। इसी हफ्ते जा रही है ट्रिप। हा, हा, क्या सच्ची? करण सर, एक मिनट आयु। ये देखो, ट्रैक पे जाना। आयु 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 आयु, करण सर के पास कोई जादुई शक्ति है क्या? मेरे दिल की हर बात वो भी बिना बताए। कमाल ही करते करण सर, एक के बाद एक विश पूरी करते जा रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात शिव जी ने करण सर को मेरे लिए ही बनाया है। जीवन साथी ऐसा हो जो आपकी मन की बात बिना बताए समझ जाए। सच्ची बता रही हूँ। हे शिव जी, कितना अच्छा इंसान भेजा है आपने मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर करण सर। आयु, इससे एक बात तो क्लियर है कि किसी ना किसी दिन मेरे मन में छुपा हुआ प्यार उन्हें दिख ही जाएगा। दिखेगा ना? बोलो ना आयु। हाँ जरूर दिखेगा। आयु सोचो, अगर इस वीकेंड पर ट्रैक में ऐसा हो जाए तो कितना मजा आएगा। किस बात का मजा आएगा? आयु मैं बाद में बात करती हूँ।
माँ, आपने कुछ देखा तो नहीं ना? हाँ, देखा। आज तुम बहुत दुखी हो। हाँ? कुछ भी। खुश तो मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, पर आज कुछ ज्यादा ही चहक रही हो। बताओ, क्या खास बात है आज? नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। माँ, वो वीकेंड पे कॉलेज ट्रैक है और इतने सालों से मेरा सपना है कि मैं ट्रैक पर जाऊं। माँ, मैं जाना चाहती हूँ, पर पापा जी परमिशन देंगे? पता नहीं। पर तुम्हारी आंखों की चमक के लिए एक कोशिश तो बनती है। हाँ? लेकिन अगर पापा जी की परमिशन चाहिए तो तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी। क्या? उन्हें जो अच्छा लगता है वो करना पड़ेगा। समझ गई ना? प्रणाम पंडित जी, ओम बोल रहे हैं। मिलना था आपसे काव्य की कुंडली लेकर। जी, मंदिर में? हाँ, ठीक है ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। प्रणाम, जय शिव शंभु। अरे नहीं नहीं, इस हफ्ते नहीं, मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ, आने के बाद मिलते हैं। ओके बाय। दादी माँ। करण, ट्रैक के लिए जाना जरूरी है क्या? देखो, अभी तुम्हारे एक्सीडेंट के जख्म ठीक से भरे भी नहीं हैं। भरे? नहीं, नहीं भरे हैं। क्यों रिस्क लेते हो? अभी थोड़े दिनों में तुम्हारी शादी है। जोश में आके कुछ ऐसा नहीं कर देना कि बाद में पछताना पड़े। दादी माँ, ये ट्रैक का प्लान जोश में नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर बनाया हुआ प्लान है। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप बैठिए, मैं समझाता हूँ, बैठिए। दादी माँ, इस ट्रैक का असली मकसद बिजनेस बढ़ाना है। उस लोकेशन पे मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, और कॉलेज की टीम को मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ ताकि मैं खुद जाकर वहां देखूं कि वाकई में ये प्लान पुख्ता है या नहीं। चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, समझे बोले। करण, बिजनेस को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आपने अगर निर्णय लिया होगा तो सोच समझ कर ही लिया होगा। मगर आज हमने आपको जो काम बताया है वो याद है ना? हाँ, अरे याद आया, वो पूर्वा से मिलना है। मगर सिर्फ मिलना नहीं है, होने वाले पति पत्नी को एक साथ जो करना होता है वो करना है, याद है? याद है। आपको ट्रैक पर जाना है तो जाइए, मगर ये काम नहीं भूलना। जी। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय पर्वतेश्वर। पापा पटाओ अभियान शुरू। चल काव्या, शुरू हो जा। सुप्रभात पापा जी। माँ, मुझे टिफिन दे दो ना, मैं आज कैंटीन का खाना नहीं खाऊंगी, घर का खाना ही अच्छा होता है। क्या बात है, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गुड मॉर्निंग की जगह सुप्रभात, घर का खाना अच्छा होता है,
नहीं पापा जी, वो आज से मैंने शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा है, बहुत बढ़िया। अर्थात आज जलपान कक्ष में आप जलपान नहीं कीजिएगा, यही ना? जी, कौन सा कक्ष? बेटा, कैंटीन को हिंदी में जलपान कक्ष कहते हैं। ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, समझ गई? बताओ क्या चाहिए? पापा जी, वो बात ये है कि इस हफ्ते कॉलेज वालों का ट्रैक पे ले जाने का प्लान है और मैं भी जाना चाहती हूँ, तो बस आपकी परमिशन चाहिए थी। ट्रैक कहाँ पर है? पाताल पर्वत में पापा जी, बस 150 किलोमीटर की दूरी पर ही है। कितने दिनों का है? बस एक रात की ही बात है, अगली सुबह फिर आ जाऊंगी। और साथ में कौन कौन है? तुम्हारे सारे दोस्त सहेलियां सब जा रहे हैं क्या? जी आ रहे हैं ना, सना, नेहा, आयुष्मान, सब सब है। मतलब तुम अपना ख्याल रख लोगी, यही ना? जी पापा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और वैसे भी इस बार करण सर ट्रैक को लीड करने वाले। काव्या, अपने पिता के बगैर आज तक कभी शहर के बाहर गई भी हो? नहीं। हमारी निगरानी के बगैर पूरी रात कभी बाहर रही हो? तो फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं हां कहूंगा इस ट्रैक के लिए? जी, हर चीज की कभी ना कभी तो शुरुआत होती ही है, और फिर ट्रैक के बहाने ही सही, पहली बार हमारी काव्या अकेले घर से बाहर जाएगी। कब तक आप उसकी उंगली पकड़े रहेंगे? काव्या बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी भी नहीं हुई है जितना आप समझ रही हैं पार्वती जी। पर उसकी बहुत इच्छा है ट्रैक पर जाने की। ठीक है फिर। अगले हफ्ते चलते हम ट्रैक पर, तुम, मैं, पृथ्वी, और हाँ आप भी चलिए साथ में अगर आपका मन किया तो। अपना टिफिन भी ले चलेंगे, बहुत मजे करेंगे। पर इस ट्रैक में तुम नहीं जाओगी, बोल दिए बस। बालमुकुंद, सबसे पहले बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे, और आगे की तरह झुककर इस हाथ से ऐसे अंगूठे और उंगली के बीच में वी बनाना है, और वी के बीच में इस स्टिक को रखकर इस सफेद बॉल को, इस स्टिक को हल्के से पकड़ के इसको ऐसे ढकेलना है। ये देखो, ऐसे सीधा पॉकेट में। तुम ट्राई करो। हाँ, आगे झुक के इसे वी बनाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, स्टिक को पीछे रखो, अब यहां मारो। कुंवर जी, हम भोलेनाथ की कसम खा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। अरे होगा, फिर कोशिश करो। लो रखो।
हाँ अब हुआ ना, चलो मैं चलता हूँ। आपके भोले बाबा को कुछ कहना है मुझे, और जो कहना है वो याद आ गया। बचपन से ट्रैकिंग को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ट्रैक कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ पाया। ओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक मिनट, हाय आयुष्मान। हाय आयुष्मान, मेरे लिए एक फेवर करोगे? हाँ बोलो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ट्रैक साथ में कंप्लीट करें? एक मिनट काव्या, हाय काव्या, तुम्हारा फॉर्म कहाँ है? फिल नहीं किया? ट्रैकिंग पे चल रही हो ना, बहुत मजा आने वाला है। क्या हुआ? पापा जी ने परमिशन नहीं दिया शायद। एक ही दिन की तो बात है, अगर तुम कहो तो मैं पापा जी से बात कर लूं। आयु, मैं बाद में आके बात करती हूँ। Excuse me. देखा, फूल को देख के कैसे भवरा उड़ गया। राम, भवरा उड़ा नहीं बल्कि चल कर गया है। पहले काव्या को देख के दौड़ के जाता था, अभी excuse me बोल के चल के गया है। तुम लोग देखना, धीरे धीरे उसके पीछे जाना ही भूल जाएगा। You dumb girls, अब बताओ भवरा क्या करेगा? आप सोच रहे होंगे कि कितनी लालची भक्त है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मांगने के लिए चली आती। पर शिव जी, आपको तो पता ही है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती है। अब आप ही बताइए कि मैं पापा जी को क्या बताऊं कि इस ट्रैक में मेरा ख्याल रखने के लिए वो है ही नहीं, बल्कि वो है जो जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा। जब से वो मेरे जीवन में आए हैं ना, सब कुछ बदल गया है। ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, उनको पूरा करने का जिम्मा उठा लिया है उन्होंने। वैसे तो वो जब भी सामने आते हैं ना, मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो प्यार का इजहार होगा। बस आप ना पापा जी से परमिशन दिलाने में मेरी मदद कर दीजिए। श
शिव जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मेरे मन में कोई बटन फिट कर दिया है? जब भी मन से याद करती हूँ वो बटन प्रेस हो जाता है और ये प्रकट हो जाते हैं। कुंडली के अनुसार तो बिटिया का विवाह का योग इसी वर्ष हो रहा है। और ग्रहों की स्थिति के अनुसार साल खत्म होने से पहले ही बिटिया के हाथ पीले हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, लेकिन आप जरा दोबारा देख के बताइए, मेरी बिटिया के भाग्य में सुख तो लिखा है ना? तुझको ही देखे मांगी है तेरी ये जिया आसमां और जमीन से, तेरे ही संग है मेरी हर कहानी, तेरे ही संग जिंदगी। सब सब तैयारी हो गई, चलिए। सर किससे बात करने में बिजी है? बट करण ये अच्छा नहीं है ना कि मैं ऑलरेडी इतना लेट हो चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। वो दादी ने जो हमें एक साथ काम करने को कहा था, गरीबों को दान करने को, वो काम क्या आप अकेले नहीं कर सकते? आई मीन मैंने सोचा अब अगर मैं इतनी लेट हो ही चुकी हूँ तो क्यों ना मैं क्लीन अप और फेशियल भी करवा लूं। ओके, नो प्रॉब्लम। So sweet of you. Thank you so much. अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी। दादी को ना इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। Okay, no problem. You are very sweet, Karan. I love you. Bye. Okay, see you. मैं क्यों इनके पीछे खींची जा रही हूँ? Hey, Kavya, what a surprise. तुम यहाँ? जी सर, मैं अक्सर यहाँ आया करती हूँ पूजा करने के लिए। Oh, thank you for saving this. मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी? Of course, yeah, come on. Kavya, बिटिया के भाग्य में तो राजयोग है। पर क्या? उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। आप तो जानते हैं राज सिंहासन का रास्ता अक्सर कांटों से भरा होता है। पर आप चिंता तनिक भी ना करिए, महादेव हैं सब संभालने के लिए। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद जी। आयुष्मान, क्योंकि तुम ही हो, We'll be right back.
भगवान आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। पापा जी घर चलो। पापा जी, मैं शिव जी के दर्शन करने आई थी और फिर वहां पे करण सर मिल गए। वो गरीबों में कंबल बांट रहे थे, मैं बस उनकी मदद करना चाहती थी पापा जी। पापा जी मेरी बात सुनिए। बिटिया के भाग्य में तो राजयोग है। भगवान आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। राज सिंहासन का रास्ता अक्सर कांटों से भरा होता है। ओ चाचा, देख के चला सकते हैं, मरना है क्या? जी पानी पीजिए। पापा जी आप ठीक तो है ना? काम के पीआर मैनेजर हो तुम? पीआर का मतलब जानते हो क्या? वो भी हम बताएं? तो फिर कुंवर करण प्रताप सिंह की सगाई की खबर छपी क्यों नहीं? कुंवर जी की सगाई? जी वो मुझे तो इस बारे में कुछ अच्छा जी इसमें मनीष की गलती नहीं है। तुम जाओ मनीष। बेवकूफ चाचा जी, एंगेजमेंट एक प्राइवेट अफेयर था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों अभी मीडिया के सामने लेके आया इसको, तो फिर मैंने इसे मना कर दिया था। करण बेटे, सगाई शादी ये हमारे समाज में व्यक्तिगत मामला कब से होने लगा? बेटे इसमें दो परिवार जुड़ते हैं, ग्वालियर के दो बड़े घरानों के बीच का रिश्ता है, वैभव और सांख की नुमाइश करते हैं। आप उसमें भी पर कम से कम अपने चाचा से विचार विमर्श तो कर लेते, या फिर हमें आप अपना परिवार नहीं समझते? अरे चाचा कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। और देखिए ना, ये सब कितना जल्दी में हो गया। एक्सीडेंट हुआ, फिर पूर्वा की फैमिली मिलने आ गई, और अचानक अंगूठी की रस्म भी हो गई। मैं मानता हूँ कि हमारे निजी मामलों से मीडिया प्रेस जितना दूर रहना उतना अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये शादी एक ग्रैंड पब्लिक अफेयर हो तो हम कर सकते हैं। चलिए अपनी अपनी सोच है बेटा, वैसे हमें इसमें कोई परेशानी वाली बात नजर नहीं आई। परेशानी की ही बात है, बड़े दुख की बात है कि एक की खुशी दूसरे के आग की किरकिरी हो जाती है। सही कह रहा है करण, जब शादी धूमधाम से होगी
तो पूरे ग्वालियर को पता चल जाएगा। लोगों की नजर बहुत जल्द लग जाती है। किसी को क्या पता कि कल क्या होगा। पर अम्मा, हमारी नजर से आप करण को कैसे बचाएंगे? क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि ट्रैक पे करण के साथ क्या होने वाला है। अम्मा जी, फिर से करण जी का मैं नजर उतार दूं? लोटा ए, जाओ जाओ निकलो। करण बेटा, पंडित जी का फोन आया था, बहुत खुश थे। आपको और आपकी होने वाली पत्नी ने जो दान पुण्य का काम किया है वो देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, आशीर्वाद दिया है। वो दादी ने जो हमें एक साथ काम करने को कहा था, गरीबों को दान करने को, वो काम क्या आप अकेले नहीं कर सकते? दादी को ना इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप दोनों की जोड़ी सदा सकुशल रहे। भगवान आप दोनों को सदा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे। काव्या, इधर आओ। कुछ भी हो जाए, अपनी माँ को मत बोलना कि आज हम दोनों अस्पताल पहुंचते पहुंचते बच गए। अरे वाह, आप दोनों एक साथ कैसे? काव्य आपको रास्ते में मिल गई थी क्या? मैं चाय बना कर लाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। पापा जी, मंदिर कब आए? क्या देखा, क्या सुना? मेरी नजरें तो करण सर पे ही टिकी थी। कहीं उन्होंने पता नहीं पापा जी के मन में क्या चल रहा है। मैं जब भी कुछ गलत करती हूँ तो तुरंत डांट देते, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं कहा। ये भोलेनाथ, भोले बनकर मत बैठिए, कुछ तो कीजिए। काव्या बिटिया के भाग्य में तो राजयोग है। कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले बंद। आपका चश्मा दे दिया है बनाने, कल तक आ जाएगा। क्या हुआ, कोई बड़ी खबर है क्या? इतनी जल्दी तो आप कभी न्यूज देखते नहीं है। सब ठीक है ना? पंडित जी ने क्या कहा? सब ठीक है। चाय पी के देखिए ना, आपकी पसंद की बनाई है, इलायची डाल के। पार्वती जी, काश जिंदगी में भी कोई इलायची डाल देता तो उसकी सुगंध और प्यारी हो जाती, पर क्या करें, नियति को कोई टाल नहीं सकता, ना आप ना मैं। हम तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि चादर से बाहर अपने पांव न फैलाएं, जिस रास्ते जाना ही नहीं वहां के दरवाजे बंद कर देने में ही भलाई है सबके लिए।
कौन सा रास्ता, क्या बंद कर देना चाहिए? वही जो हेलो जी जी रमेश जी, हाँ ठीक है ठीक है, अब ट्रेन नहीं मिली तो एसी बस पकड़ के आ जाऊंगा, आप चिंता ना कीजिए। नमस्कार पार्वती जी, हमें फौरन लखनऊ निकलना पड़ेगा काम के सिलसिले में, आप एक काम कीजिए प्लीज, हमारा सामान पैक कर दीजिए, और हाँ वो सफर के लिए थोड़ा बहुत जलपान खाना पीना कर, और हाँ जी चश्मा हम लखनऊ से लेते हुए आएंगे, नया वाला जी। ना सामान पैक कर दी, लेकिन अब चाय तो पीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे हाँ आपकी इलायची वाली चाय हमारी पसंदीदा। बेटा पप्पा जी और उनकी लाडली को इकट्ठे क्या हो गए, कपड़े भी नहीं बदले। काव्या बेटा उठो, क्योंकि सोने का समय है, उठ जाओ। ये फोन क्यों बंद कर रखा है? माँ वो कॉलेज से बहुत मैसेजेस आ रहे थे ट्रैक पे जाने के लिए, तो इसीलिए मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया। तो इस तरह उदास होकर बैठोगी तो पप्पा जी हाँ नहीं बोल देंगे। मैं हाँ बुलवाना भी नहीं चाहती माँ। चाय पी लो, लो। मैं पापा जी से मौका देकर बात करती हूँ, हम्म? पियो चाय, पियो। लोटा। जी अम्मा। ये नेकलेस दिखाओ। ये वाला? हम्म। दीदी आप पहनो ना। अरे दीदी बहुत अच्छी लग, बैठ जाइए। अच्छी लग रही हो? बहुत अच्छी। फोटो खींचना, फोटो खींचना। दीदी थोड़ा इधर। वाह ये देखिए दीदी। कैसा है? अरे वाह। दीदी नजर ना पड़ गया। अम्मा ये देखो, ये देखो। भानु जी तुम्हारी पत्नी भी आज राजघराने की दिख रही, ये जेवर हमने करण की होने वाली पत्नी पूर्वा चौहान के लिए मंगाए हैं। ये सारे जेवर मैंने करण की मां को दिए थे जब वो पहली बार इस हवेली में आई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सोचा कि ये दीदी के लिए था। रख दो। जी। भानु जी कुल मिलाकर ये 8 सेट हैं। ज्वेलर को ये पॉलिश के लिए दे देना और उसे कहना अगले 3 दिन में ये हमें चाहिए। जी अम्मा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जी अम्मा। पंडित जी से बात हुई है मेरी, अगले कुछ महीनों में उसकी शादी भी हो जाएगी। अच्छा और क्या क्या कहा पंडित जी ने? हमारी बेटी जिस घर में जाएगी वो घर परिवार सब कैसा होगा? सब सब अच्छा होगा। हे महादेव,
कृपा है आपकी। अब ये क्यों, किस लिए? पार्वती जी, हम जानते हैं कि बच्चे वाकई में कब अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं और कब जिद कर रहे हैं। पर हमारी काव्या ने तो कभी कोई जिद की ही नहीं, हमने जो बोला जो दिया मान लिया और ले लिया। आज पहली बार वो अपने मन का मांग रही है, जाने दीजिए ना उसे ट्रैक पर। और फिर दूसरे बच्चों के माता पिता ने भी तो उन्हें परमिशन दे दी है, शर्मा जी, अग्रवाल जी, मिश्रा जी, और फिर आयुष्मान भी तो होगा ना वहां पर। अच्छा ठीक है, शर्मा जी, गुप्ता जी, इन सब के बच्चों की तरह हमारी काव्या भी ट्रैक पर जाएगी, पर हमारे साथ। समझिए अब मेरी बात पार्वती जी। देखिए, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, पर यकीन कीजिए हम जो कुछ भी कह रहे हैं वही सही है। देखिए, हम परसों दोपहर तक वापस आ जाएंगे और हमारी गैर मौजूदगी में आप इस घर की मुखिया हैं। एक मां होने के साथ साथ एक बाप की भूमिका भी आपको निभानी पड़ेगी। हम जा रहे हैं, अपना और इस घर का ख्याल रखिएगा। आप भी। और आप। जी अम्मा, जी अम्मा, बस। हाँ दीदी, सही बोल रही, यही करते। चल निकल यहाँ से, निकल। ए दीदी। क्या? बस यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया था। पहले तो जेठानी ने मेरा हक छीन लिया और अब जेठानी की बहू मेरा हक छीनने पे तुली पड़ी है। पर आप तो बस धृतराष्ट्र की तरह अंधे बनकर बैठे रहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक मैंने कहा। धृतराष्ट्र बने हैं हम, अपना हक पाने के लिए हम बड़े से बड़ा अधर्म का साथ देंगे। ऐसा प्लान बनाया मैंने कहा कि करण बचेगा नहीं, अभी तो शादी की बात दूर रही, उसकी मौत की खबर एक बड़े धमाके के साथ आएगी। बूम! काव्या बेटा, उठ जाओ। क्यों उठूं? कॉलेज तो नहीं जाना है। कॉलेज नहीं जाना है पर ट्रैक पर तो जाना है ना। आप जले पे नमक मत छिड़को। ठीक है, मत जाओ। पापा जी मान गए क्या? वैसा ही समझो। माँ पहेलियां मत पूछो, बताओ ना, पापा जी मान गए? तुम्हारे लिए पापा जी का मानना जरूरी है या ट्रैक की परमिशन? दोनों, दोनों एक ही बात है ना माँ? नहीं। मतलब? मतलब ये कि कल रात होलसेल वाले गोयल जी का फोन आया था और तुम्हारे पापा जी देर रात लखनऊ के लिए निकल गए और जाने से पहले मुझसे बोले कि पार्वती जी, हमारी गैर मौजूदगी में आप ही इस घर की मुखिया है, माँ के साथ साथ आपको एक पिता की भूमिका भी निभानी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई फैसला लेना हुआ तो आप हमेशा की तरह सही फैसला ही लेंगे। तो बस फिर मैंने रात भर सोचकर यही फैसला लिया कि तुम ट्रैक पर जाओगी। कितना खुश
खुश हूँ। पर माँ, ये तो विश्वास तोड़ने वाली बात हो गई ना। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मैं पापा जी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। ट्रैक पर जाकर तुम अपनी नहीं बल्कि मेरी इच्छा पूरी करोगी, और बेटी होने के नाते माँ की इच्छा पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। बेटा, अपने मन पर ज्यादा बोझ मत डालो और ट्रैक पर जाओ। बेटा, पता नहीं शादी के बाद तुम्हें ये सब करने का मौका मिले या नहीं। तुम पैकिंग शुरू करो, मैं पूजा करके फटाफट नाश्ता तैयार करती हूँ। काव्या बेटा, आयुष्मान आया है। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार तू जगाओ अगर तुम कहो। क्या बात है, ट्रैक पे जाने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। मुझे छोड़ के जाओगे उस सना के साथ? फालतू बातें कितने भी करवा लो ना तुमसे। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना बस छूट जाएगी। आंटी का फोन आया था, भागते भागते आया हूँ। तुम्हें मैं रेडी नहीं दिख रही। क्या यार आयु, वैसे एक बात बताओ, मेरी माँ ना है तो बड़ी क्यूट। अरे सच्ची बता रही हूँ, वैसे तो पापा जी की एक भी बात नहीं टालती, पर आज देखो मेरी खुशी के लिए मुझे ट्रैक पे जाने की परमिशन दे दी। चलो फिर चलते हैं। पर आयु एक बात बताओ, माँ ने इतना बड़ा फैसला मेरे लिए एक झटके में ले लिया, और मैं इतनी बड़ी बात कैसे छुपा कर जा सकती हूँ। मैं माँ को सच बता दूंगी कि ट्रैक पे जाने का कारण सिर्फ मेरी विश पूरी करना नहीं, बल्कि करण सर के दिल में मेरे लिए क्या है ये जानना भी है। और अगर किस्मत ने चाहा तो मैं उनसे अपनी दिल की बात कह ही दूंगी। मैं सब सच सच बता दूंगी, फिर चाहे वो मुझे ट्रैक पे जाने की परमिशन दे चाहे ना दे। तुम इतने चुप क्यों हो, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, बस मुझे लगता है जब तक तुम्हारी इस बारे में करण सर से बात ना हो जाए तब तक तुम रुक जाओ। अब इतनी भी क्या जल्दी है आयु, मेरे पास ना तुम्हारे जितना दिमाग नहीं है, तो बस अपनी दिल की सुनती हूँ, और मेरा दिल कह रहा है कि मैं माँ को जाके सब कुछ सच सच बता दूँ। अब तुम जाओ, मैं बस स्टॉप पे आ जाऊंगी। ठीक है। केन्द्रहार सदा वसन्यार वृन्द भवं भवानी सहितं नमामि।
माँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मेरी हर छोटी इच्छाओं का ख्याल रखती हो और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करती हो, और आज तो आपने पापा जी की बात डालकर मुझे ट्रैक पे भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इतना भरोसा करती हो मुझ पर? काव्या ये तुम क्या बोल रही हो? माँ मैं आपका भरोसा तोड़कर इस ट्रैक पर नहीं जा सकती। भरोसा तोड़कर मतलब? काव्या कहीं तुम फिर से अपने किसी नाटक का रिहर्सल तो नहीं कर रही? नहीं माँ, आज तक मैंने आपको सिर्फ आधा सच बताया। ट्रैक पे जाना मेरी उन इच्छाओं में से एक है, पर माँ ट्रैक पे जाने की सही वजह है मेरा सबसे बड़ा सपना जो ट्रैक पे जाके पूरा हो सकता है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या बोल? माँ मैं करण सर से प्यार करती हूँ। ऐसे सपने नहीं संजोने चाहिए जो आंखों में समाना सके। और इस ट्रैक पर जाकर शायद मैं उन्हें अपनी दिल की बात बता दूं। हे भगवान, ये मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मैं तुम्हें इस ट्रैक पर कभी नहीं भेज सकती। तुम इस ट्रैक पर नहीं जाओगी, कभी नहीं। क्या हुआ काव्या, कुछ कहना है? शायद आयु सही कह रहा था, मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रही हूँ, पर ट्रैक से लौटते ही मैं माँ को सब कुछ सच बता दूंगी। काफी लेट हो गया ना, मैं बाकी सबको देख लेता हूँ। आयुष्मान मुश्किल है, मुझे लगता है कि कव्या नहीं आएगी, पर मुझे पूरा भरोसा है वो आएगी। आयुष्मान बेटा, मैं तुम्हारे भरोसे भेज रही हूँ काव्या को ट्रैक पर, उसका ख्याल रखना। जी। एक काम करो, ये बैग दो मुझे, मैं इनके साथ बस में जाऊंगा। तुम घर जाओ, तुम्हारी छुट्टी आज। तुम भी आयुष्मान का ख्याल रखना। माँ अब तो ऐसे रो रही हो जैसे मेरी विदाई होने जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए, तो आपकी जिम्मेदारी रही मेरी बेटी। अगर आपने मुझ पर भरोसा रखा है आपका भरोसा टूटेगा नहीं।